हेलो एवरीवन, वेलकम टू जमाल्स किचन। आज हम अपनी किचन में बनाने जा रहे हैं मूंग दाल के बड़े यानी मूंग बड़े। ये बरसात के मौसम में बहुत टेस्टी लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, एक बार ज़रूर ट्राई करिए। इसके लिए मैंने ली है 2 कटोरी दाल, थोड़ा सा धनिया, 2 मिर्चें, थोड़ा सा आधा आधा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 कप प्याज, नमक टेस्ट के अनुसार, कुटी हुई आधा चम्मच मिर्चें, चुटकी भर हल्दी। अब मैंने दाल को 2 घंटे पहले भिगो दिया था, ये देखिए ज़्यादा नहीं भिगोनी है इसको। अब हम इसका पानी निथार के इसको ज़्यादा महीन नहीं पीसेंगे, मोटा मोटा पीसेंगे। दाल अच्छे से भीग गई है, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ उसको। इसका पानी निकाल देना, नहीं तो पेस्ट पतला हो जाएगा। ये दाल मेरी पीस गई है, थोड़ी सी दाल मैंने निकाल के रख ली थी। अब हमने डाला इसमें मसाला अपना, अदरक लहसुन का पेस्ट, ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा सा डालना है इसमें, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। हरी मिर्चें काट के, थोड़ी सी दाल मैंने भीगी हुई निकाल ली थी, ये हम बाद में डाल रहे हैं इसमें, इससे पकौड़ों में बहुत अच्छा क्रंचीनेस आता है। अब प्याज डालेंगे, ये भी मैंने लच्छे में काट ली थी। अब इसको अच्छे से मिला देंगे, पूरे मिक्सचर को अच्छे से मिला देंगे इसको। इसको मिलाने के बाद आप थोड़ी देर इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं, 1.5 घंटे के लिए। ये मिक्सचर मेरा तैयार है, ये देखिए। अब मैंने कढ़ाई में तेल चढ़ाया, मूंग बड़ों को हम कई तरीके से बना सकते हैं, छोटे छोटे भी बना सकते हैं, मैं थोड़े बड़े बना रही हूँ, टेस्ट उतना ही आएगा। ये देखिए चम्मच से मैंने गोल गोल इसमें बड़े डाल दिए, ये आपके ऊपर है, आप छोटे भी डाल दें, मैं बड़े बना रही हूँ इसलिए इसका नाम ही मूंग बड़े है। ये बारिश के मौसम में चाय के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। अब इसको हमें मीडियम आंच पे सेकना है, फुल फ्राई नहीं करना है, मीडियम आंच पे थोड़ा थोड़ा करके अंदर तक ये क्रिस्पी हो जाएंगे। इसको पलट देंगे हम 2-3 मिनट के बाद, फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे। पांच से सात मिनट के अंदर ये तैयार है, ये देखिए कितने अच्छे मूंग बड़े तैयार है। ये अब हम सर्व करेंगे, इसको टिश्यू पर निकाल लेंगे, इसका एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाएगा। मूंग बड़े हमारे तैयार हैं, चाय के साथ गर्मा गर्म मूंग बड़े बहुत अच्छे लगते हैं बारिश के मौसम में। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। थैंक यू।